26 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय है खास। इस सावन करें काल सर्प दोष का निवारण। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग क्या है और क्या हमारे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके उपाय हमें कब शुरू करने चाहिए और हम इससे काफी अपने दुष्प्रभावों से बचाव कर सकते हैं। अब बात करूंगा जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो, तो उसका मतलब हुआ कि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ गए तो उसे काल सर्प योग मान लिया जाता है। ये काल सर्प योग बाकी ग्रहों के जो अच्छे फलों को मिलने में हमें बहुत ज़्यादा उलझने देते हैं या हमें उसका लाभ नहीं लेने देते, उन रिश्तों में भी विरोध करते हैं जो ग्रह हर रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। उन ग्रह ये काल सर्प योग उन रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं और हमें विरोधाभास का जीवन जीना पड़ता है। जिनकी कुंडली में मेष राशि में बैठ के राहु काल सर्प योग बनाता है, उसके जीवन में उसके मित्रों से, भाइयों से, पिता से, बड़ों से, सरकार से बहुत ज़्यादा उलझने देखने को मिलती हैं और ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से में गलत संगति में भी चले जाते हैं या उनको गलत आदतें लग जाती हैं और वो लड़ाई झगड़े में भी लिप्त हो जाते हैं, जिससे उनको उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे उपाय करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसी तरह अगर बात करूं वृष राशि में बैठ जाए राहु, तो वृष राशि शुक्र देव की मानी जाती है, जो शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं। ये हमारे पत्नी के पिता का घर भी है, ससुराल पक्ष भी है, ये हमारे धन का घर भी है। तो यहाँ पे हमें धन की हानि बार बार होती है, हमारे पास पैसा नहीं जुड़ता और हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी मर्जी मेहनत कर लें हमें उसका लाभ नहीं हो पाता। मिथुन राशि में राहु देव बैठे हैं और काल सर्प योग बनाए, तो ये यहाँ पे बैठे राहु बहुत ज़्यादा जातक को तरक्की उन्नति देते हैं। बहुत जल्दी वो हर काम में लिप्त होकर सफलता के शिखर को छू लेता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन अपने बहन भाइयों से हमेशा उसको दुखी रहना पड़ता है, उनका सुख नहीं मिलता, हमेशा विरोधाभास ही करना देखने को मिलता है। चाहे ये उनका लाभ करे लेकिन वहाँ से इसको कोई लाभ नहीं मिलता जातक को। तो कहीं पे जाके जातक को आसमान तक पहुंचाकर अगर बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ना हुई या राहु की युति उसके शत्रु ग्रहों से बन जाए तो आसमान से भी कई बार नीचे गिरा देता है। यही काल सर्प योग का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल दूंगा कि जब कभी हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वाली लूडो, तो जब जातक 99 पे पहुंचता है तो वहां से डंक लगता है जब सांप का, तो नीचे सीधा 5 या 6 पर वो आके रुकता है। काल सर्प योग भी हमारे जीवन में हमें ऐसी ऊंचाइयों पे लेके फिर दोबारा वापस ले आता है। तो हम बार बार स्ट्रगल करके ऊंचाइयां पकड़ते हैं लेकिन वहां पे स्थिर नहीं हो पाते। तो आज बात करूंगा कि काल सर्प योग को कैसे हम काफी कम कर सकते हैं इस प्रभाव को। 24 जुलाई को पूर्णमासी है और 26 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस महीने को भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और ये महीना उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। अगर उनके भगत इस महीने में जो सोमवार आते हैं उस सोमवार को अगर उनका पूजन करते हैं, उनको उनकी मनचाही चीज़ें, उनको भोग लगाते हैं, शिव मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो उन्हें उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। और इसी महीने में हम काल सर्प योग के उपाय करके भी काल सर्प योग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस पोस्ट में आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, किसी भी राशि में बना हुआ है, तो वो सारे ये उपाय कर सकते हैं।
क्या करना है हमें, हमें इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है 25 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक के जो चार सोमवार आएंगे, इस चार सोमवार में इसका हम लाभ ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सोमवार जो पहला सोमवार आएगा हमें 11 सर्प लेने हैं चांदी के, और साथ में लेना है चांदी का वर्क। उन 11 सर्प को चांदी के वर्क में लपेटकर उसके ऊपर लाल मोली से उसको बांधकर सारे सर्प को अपने सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर लेके जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब हम लेके जाएंगे तो मीठा दूध भी साथ में लेके जाएं, कच्चे दूध में चीनी या गुड़ डालकर लेके जाएं मीठा दूध। तो वहां पे जाके मंदिर में उन सभी नागों को चांदी के वर्क से खोल दें और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और उसके ऊपर मीठा दूध चढ़ा दें। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है उनको ये चार सोमवार ऐसा ही करना है, और साथ में दूध चढ़ाने के बाद नीले फूल लें, 11 नीले फूल भी चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, और हो सके तो आप वहां पे चंदन की स्टिक भी चढ़ा दें जिसके द्वारा हम घिस के माथा टेकते हैं शिव मंदिर में। इसके अलावा भी आप जो मर्जी भोग लगा सकते हैं भगवान शिव को, लेकिन काल सर्प योग वाले जातक ये वाला उपाय जरूर करें, उनको बहुत ज्यादा इससे मानसिक पीड़ा से भी बाहर आएंगे, राहत मिलेगी, परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम प्यार बढ़ेगा, उनके रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, अगर रोग है तो रोग से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। उसी वक्त वहां पे साफ सफाई करें और महामृत्युंजय का जाप करें। ये हो गया सोमवार का उपाय। अब काल सर्प योग वाले ही जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है वो बुधवार वाले दिन भी ये उपाय जरूर करें। बुधवार को आप छोटी कन्याओं की सेवा जरूर करें, यानी कंजक पूजन करें, उनको खाने पीने की चीजें दें, उनको हरे वस्त्र दे सकते हैं, हरे खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनके चरणों में जल से उनके चरण धोएं। तो ये करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा, बहुत ज्यादा आपकी तकलीफों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है, 3 सूखे नारियल लेने हैं जो पानी के बिना वाले होते हैं, जो हवन में डलते हैं, वो 3 सूखे नारियल लें, हर नारियल को लाल मोली बांधे और हर नारियल को अपने सिर से 3-3 बार उल्टा घुमा लें, ये आप अवश्य करें। और उसके बाद ले 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो जौ को कच्चे दूध से धो लें और उसको लाल कपड़े में बांध लें, और नारियल और जौ ये आप जल प्रवाहित कर दें। तो ये आप देखेंगे कि आपको ये उपाय करने के बाद पूरा वर्ष क्या लाभ होगा, आपको बहुत ज्यादा तरक्की, उन्नति, मान सम्मान, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।